देखिए, पहली बात आपने उठाया नूपुर शर्मा का, तो मैं व्यक्तिगत रूप से नूपुर शर्मा के इस कथन से, इस स्टेटमेंट से ताल्लुकात नहीं रखता, और भारत की बहुसंख्यक आबादी जो है इस बात से ताल्लुकात नहीं रखती है, और भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को अपने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उनको हटा दिया है अपने पद से, और उनसे कहा भी गया है कि आप माफ़ी मांगिए। लेकिन देखिए, सबका अपना व्यू रखने का वो होता है। हालांकि उन्होंने जो कहा काफ़ी गलत कहा कि पैगंबर साहब ने 9 साल की बच्ची से विवाह निकाह किया, 7 साल की बच्ची से निकाह किया, तो वो सारा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, जो मोहम्मद साहब ने निकाह किए 15 निकाह किए थे कि 14 किए थे, 11 किए थे, तो उस समय क्या था कि सऊदी अरब वाले क्षेत्र में जो मेल लोग थे वो युद्ध पे जाते थे, लड़ाई झगड़े पे जाते थे, युद्ध पे, कबायली सारे थे, जनजाति लोग थे, ट्राइबल्स थे, तो युद्ध पे जाते थे, तो उसमें पुरुष, आप हिंदी समझ पा रहे हैं ना, पुरुष उरुष, हाँ, मेल आदमी, हाँ, तो आदमी लोग जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध आक्रमण करने के लिए जाते थे, तो उसमें कई सारे आदमी मर जाते थे। तो जिस किसी भी समाज में, सोसाइटी में अगर आदमी की संख्या कम रहेगी, महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर पॉलीगैमी का प्रचलन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुविवाह, कई सारी महिलाओं से विवाह करना, तो और वहाँ पर रेप के जो कांड होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं, महिलाओं के साथ में जो ब्रूटेलिटी होती है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पुरुष कम है, उनकी रक्षा कौन करेगा, महिला तो मतलब ज़्यादा तो हैं, लेकिन अपनी रक्षा, अपना सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकते हैं। तो पैगंबर साहब, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने ये सोच के कि छोटी छोटी बच्ची हैं, उनका कोई रेप ना करे, बलात्कार ना करे, उनके साथ में कोई गलत सलूकी ना हो, तो उनके साथ में निकाह कर लिए थे, लेकिन कभी उनके साथ में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि बच्चियों को सुरक्षित रखा जा सके। तो उस समय उनको यही तरीका लगा रहा होगा कि हम निकाह कर लें उनसे, ताकि ये हमारी बीवी बन जाएं, तो इनकी इनके ऊपर कोई नज़र उठा करके देखेगा नहीं। तो ये मेरे ख्याल से ये बात है इसमें कि कई सारे निकाह किए, तो उसके पीछे कारण क्या है, तो ये कारण हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से सही भी है। अब नूपुर शर्मा ने इस बात को ट्विस्ट करके पेश किया कि 9 साल की बच्चे से निकाह कर लिए, 7 साल की बच्चे से निकाह कर लिए, 11 कर लिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये बकवास बात है, इसको भारत की जनता नहीं मानती, कुछ लोग मानते होंगे, तो हर देश में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गलत चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो उनकी बात छोड़िए। दूसरी बात, जो आपने मंदिर उस पर, ये मस्जिद पे अटैक करने वाली बात कर रहे हैं, तो भारत में किसी भी मस्जिद के ऊपर आज तक अटैक हुआ नहीं है, खाली एक मस्जिद के ऊपर, जो बाबरी मस्जिद थे, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो एक बड़ा कांड हुआ था, लेकिन उसके बाद 2020 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 40 दिन लगातार सुनवाई करके निर्णय दिया कि हाँ, जो राम मंदिर वाला जो इलाका है वो, वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसमें मुस्लिम पक्ष हार गया था, लेकिन भारत के न्यायालय ने, जो कोर्ट है, उसने कहा कि आप इनको 5 हेक्टेयर भूमि अलग से अलॉट कीजिए, ताकि मुस्लिम लोग अपना मस्जिद बना सकें, और सरकार इनका हेल्प भी करें कि उनको पैसे अगर देने, पैसे दें, ज़मीन अलॉट करें, उनका हेल्प करें, मस्जिद बनवाए। तो भारत में मस्जिद को तोड़ना, ऐसा प्लंडरिंग वाला काम तो हमारे देश में नहीं हुआ है आज तक, खाली एक घटना हुआ है 1992 6 दिसंबर को। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, इसी बीच में अभी 2021 अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो इस्लामाबाद, जो आपकी राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद में करीब 3,000 हिंदू रहते हैं। 3,000 हिंदुओं ने वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट किया कि हम कृष्ण भगवान की मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो इमरान खान ने हेल्प करने की बात कही कि हाँ बना लीजिए, क्या दिक्कत है, बना लीजिए, लेकिन वहाँ के जो मुल्ला मौलवी ये सब थे, उन्होंने कहा ना, मंदिर नहीं बन सकता यहाँ पर, मंदिर बनेगा तो काट देंगे, मार देंगे, हलाल कर देंगे, मंदिर नहीं बन सकता। जबकि वहाँ की सरकार ने, इमरान खान मतलब अच्छे हैं बुरे हैं पता नहीं क्या हैं, लेकिन इस मामले में अच्छे थे कि वो जो धर्म के मामले में अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनका हेल्प किया उन्होंने, इस सेंस में कि पैसे दिए, लेकिन वहाँ के मुल्ला मौलवी ने क्या किया, धमकी दे दिया कि मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर हम तोड़ देंगे,
दिन दहाड़े नारा लगा रहे थे वहाँ पर। तो पाकिस्तान, यहाँ भारत में आप मस्जिद तोड़ने की एक भी घटना बता दें 6 दिसंबर 1992 के अलावा, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई भी मस्जिद नहीं तोड़ा गया। आप तो CSS की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या बताएं। अगर भारत की न्यूज़ आपको जानना है सही सही, तो जो भारत का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है DD नेशनल करके, दूरदर्शन, थोड़ा बोरिंग लगेगा, मैं भी नहीं देखता उसको मैं नहीं देखता है, लेकिन दूरदर्शन जो है भारत का राष्ट्रीय चैनल है, तो उसकी बातों का आप सुन सकते हैं। हाँ हाँ है, CNN जो चैनल है वो, CNN तो विदेशी चैनल है ना कोई। हाँ तो अगर ऐसे इंटरनेशनल देखना है तो BBC हिंदी आप देख सकते हैं, CNN हिंदी होगा तो उसको देख सकते हैं, दूरदर्शन देख सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा ABCD आज तक, कल तक, परसों तक, नरसों तक वाला ना देखा करें बड़ा बेकार न्यूज़ रहता है। मैं जो हूँ अब्दुल भाई दो, लेकिन मैं मुस्लिम के स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाता हूँ, पिछले 2 साल से मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाता हूँ मैं, यानी ट्यूशन वगैरह जो होता है, तो वो भी बड़े प्रेम से बड़े प्यार से पढ़ते हैं मुझसे, मैं भी उन्हें पढ़ाता हूँ। तो कभी भी हिंदू मुस्लिम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो सब कभी नहीं रहा, हम ईद में जाते हैं, सेवई खाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बस मैं तो कंक्लूड कर रहा था कि मलाई लगा रहा था कि आप मेरी बात को बुरा नहीं मानेगा, हमारा हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं अपने देश की बात रखते हुए आदमी भावुक हो जाता है कई बार, लेकिन ध्यान में यही रहे कि जो भी बात करें फैक्ट के साथ करें, फैक्ट ना हो तो माफ़ी मांग लें, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बुरा ये हो जाता है कि आपके पास जानकारी का अभाव भी है, फैक्ट भी नहीं है, आप लड़े जा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि जानकारी ना हो तो कह दें भैया हम पढ़ लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, फिर बात करते हैं इस पर। तो मेरे ख्याल से मुझको भी इस पर पढ़ने की ज़रूरत है थोड़ा सा और।